भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की दीगर अदाकाराओं के साथ कैटरीना कैफ को भी करियर के शुरू में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अदाकारा के मुताबिक उन्हें फिल्मी करियर शुरू करने पर तनकीद का सामना रहा। शुरू में तो कैटरीना कैफ का ख्याल था कि शायद उनका बॉलीवुड में करियर खत्म हो गया है और इसका जिक्र उन्होंने सलमान खान से भी किया। फिल्मी दुनिया की खबरों पर नजर रखने वाली वेबसाइट कुई मुई के मुताबिक एक फिल्म में जब अदाकार जॉन इब्राहिम ने कैटरीना कैफ को हटवाकर किसी और हीरोइन को रखवाया तो उन्हें इस कदर दुख हुआ कि वो 3 दिन तक सोग मनाती रहीं। ये तब की बात है जब कैटरीना कैफ सुपरस्टार सलमान खान के साथ रोमानवी ताल्लुकात में थीं। कैटरीना कैफ ने फिल्मी करियर का आगाज सन 2003 में फिल्म बूम से किया था जिसमें उनका किरदार तनाज़ियात का शिकार हो गया था। हदायतकार अनुराग बासु की फिल्म साया में कैटरीना कैफ ने हीरोइन का किरदार अदा करना था लेकिन पहले शॉट पर ही फिल्म के हीरो जॉन इब्राहिम ने उन्हें हटवा दिया। इस तरह कैटरीना कैफ की जगह ये किरदार तारा शर्मा ने अदा किया। सलमान खान ने प्रोग्राम आपकी अदालत में इस तमाम वाकये की तफसीलात बताते हुए कहा कि वो 3 दिन तक कैटरीना कैफ को दिलासा देते रहे थे। मुझे कैटरीना का रोते हुए चेहरा याद है जब वो कह रही थी कि मेरा सारा करियर तबाह हो गया है। सलमान खान ने बताया कि मैं सोच रहा था कि एक दिन इसका शुमार बड़े स्टार्स में होगा और वो क्यों रो रही है। मैंने उसे बोला था कि चंद सालों बाद तुम इस पर हंस रही होगी लेकिन कैटरीना ने कहा कि तुम सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम बड़े स्टार हो और तुम नहीं समझ सकते। इस बात पर सलमान खान ने कैटरीना को कहा कि उन्हें यकीनन तुम्हारी अंग्रेजी और हिंदी नहीं समझ आई होगी, पहले इस पर काम करो। सलू भाई ने बताया कि कैटरीना कैफ ने 2 दिन के अंदर हिंदी लिखना और पढ़ना सीख ली। सलमान खान के मुताबिक कुछ अरसे बाद कर्मा ने अपना काम दिखाया और कैटरीना कैफ को मौका मिला कि वो एक फिल्म में जॉन इब्राहिम को हटवा सकती थी लेकिन कैटरीना और मेरे बड़ेपन की वजह से जॉन इब्राहिम को एक बहुत बड़ी फिल्म मिली। सलमान खान ने कहा कि कैटरीना जिस मुकाम पर आज हैं, वहां पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और फिर फिल्म के लिए न्यूयॉर्क आईं, जिस पर कैटरीना ने कहा कि इसमें तो जॉन इब्राहिम भी हैं। सलू भाई के मुताबिक उन्होंने कैटरीना को मशवरा दिया कि वो बड़ापन दिखाएं, वो जॉन इब्राहिम को निकलवाने की पोजीशन में हैं, लेकिन ऐसा करना अच्छा अमल नहीं होगा। वो समझ गई, उन्होंने जॉन इब्राहिम के साथ काम किया और फिल्म हिट हुई। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।